केशव, एक हो तो तुम मुझे ये सिखा रहे हो कि ये रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर अभी अभी तुमने ये कहा कि संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का शोध फूटता है। कहा था ना? हाँ। और मैंने ये कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है, और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका आ रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है।